नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। झारखंड गिरडीह में अली हुसैन के नारों से पूरा शहर गूंजा। मौलाना आजाद चौक इमाम हुसैन की शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ गिरडीह शहर मौलाना आजाद चौक में मुहर्रम एकता मंच के द्वारा इरशाद अहमद बारिश ने गिरडीह के नए SP दीपक कुमार शर्मा को पगड़ी पहना कर बुके देकर सम्मानित किया। वहीं सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ सभी अखाड़ों की प्रस्तुत की गई। सभी ने बारी बारी से अपने अखाड़ों का प्रदर्शन दिखाया, जिसमें सभी मोहल्ले वालों ने काफी देर तक अखाड़ों का प्रदर्शन देखा। साथ ही साथ मौलाना आजाद चौक, कुरैशी मोहल्ला, मछली मोहल्ला, बरवाड़ी सभी को पुरस्कृत किया गया। जिन अखाड़ों का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा उन्हें इनाम के साथ साथ पुरस्कृत किया गया। मंच के संचालक इरशाद अहमद बारिश ने किया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। जनता के हित में दूर हमारी कड़ी माँ बहन है, जो आज मोहर्रम के मुकद्दस मौके पर नौजवानों के खेल को देखने आई हैं। तमाम नौजवान जो इस भीड़ में मौजूद है, वारिस भाई ने पुराने दिनों की बातें याद करा दी। अच्छा भी लगा, यहाँ वो दौर भी गुजरा था। ये सच है कि आपके सहयोग से हम लोगों ने गिरिडीह को पिछले 3-3.5 वर्षों में अमन चैन से जीने का एक मौका दिया। इसमें हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दखल मालिक का था कि मालिक ने यह ताकत दी कि हम लोग उस अमन में कामयाब रहे। सबके मुकद्दस मौके पर पुनः एक बार याद करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने को तवज्जो दी और सर कटाने को यह दौर, इस दौर में भी ज़रूरत उसी सब्र की है जो हमारे आपके पूर्वजों ने महसूस किया और सब्र के तहत ही जानिब के जुल्म को शिकस्त दी। तो मैं आज इस मुकद्दस मौके पर और कुछ न बोलते हुए खाली यही दुआ करना चाहूँगा कि मालिक हमें आपको सब्र अदा करे, वो सब्र फरमाए कि हम जालिम के जुल्म के सामने ना झुकें और जालिम के जुल्म की खिलाफत करते हुए इस हिंदुस्तान को आने वाली नस्लों के लिए आज से बेहतर हिंदुस्तान बनाकर देने में कामयाब हो। इतनी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।